हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथ एकेडमी पर। जैसा कि हमने पिछले दो क्लास में कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखी हैं, ठीक उसी प्रकार आज की क्लास में भी हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें आज की क्लास में जो सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक है वो हमारी है कि किसी भी नंबर को आप 9 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहली ट्रिक क्या है कि एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 9। तो चलिए मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम एक नंबर कोई इजी सा मान लेते हैं 72 है, इसको हमको 9 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में जो नंबर दिया है उसके आगे हम जीरो लगा देंगे। ठीक है, फिर स्टेप सेकंड हमारा क्या होगा, स्टेप सेकंड ये होगा कि जो नंबर दिया था उसी नंबर को इससे माइनस कर देंगे। तो 10 में से 2 माइनस किया आया 8, 11 में से 7 माइनस किया आया 4 और यहाँ 6, ये इसका आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार आप किसी भी बड़े नंबर को भी 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे लिखा है 5842, इसको हमको क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना था हमको, सबसे पहला स्टेप जो ओरिजिनल नंबर दिया है उसके आगे हमको क्या लगाना है, जीरो लगाना है। फिर उस ओरिजिनल नंबर को ही हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है उसी से। तो 10 में से 2 माइनस किया 8 आया, फिर यहाँ हो गया 11 में से 4 माइनस किया 7 आया, 13 में से 8 माइनस किया 6 आया, 5 आया, और ये 7 में से 5 माइनस किया 2 आया, और इधर क्या बचा हमारे पास, 5 बचा, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं दूसरी ट्रिक की ओर। आज की जो दूसरी ट्रिक है वो है कि किस हम टेबल कैसे लिख सकते हैं 1 to 100 के बीच में। ये काफी प्रॉब्लम होता है बच्चों को लिखने में, तो ये हम कैसे लिख सकते हैं तो देखते हैं। जैसे हमको कोई भी नंबर ले लेते, एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया हमने 23, इसका हमको टेबल लिखना है। तो सबसे पहले इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक 2 और एक 3 पार्ट में। ठीक है, तो एक तरफ आप 2 की टेबल लिखिए, 2 4 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, इसी प्रकार आप 2 की टेबल पूरा लिख लेंगे, ये 2 की टेबल हो गई। ठीक इसी प्रकार इधर तरफ 3 है तो 3 की टेबल लिखिए, 3 6 18, 21 24 27 और 30, ये टेबल हो गई ऐसे। तो उसके बाद इज इक्वल टू 23 है तो इसको एक साथ लिख दीजिए। ठीक है, जब दो डिजिट है तो उसको उसी प्रकार 4 6 6 9। अब यहाँ दिक्कत पड़ेगी आपको, यहाँ कैसे करना है, यहाँ इसकी यूनिट डिजिट लिखनी है। 12 लिखा है तो 12 की यूनिट डिजिट 2, और जो उसका 10th डिजिट है वो आगे कैरी कर जाएगा। जैसे 8 था, ये 1 कैरी हो गया तो क्या हो गया 9, इसी प्रकार 5 10 और 1 क्या हो गया 11, 8 ये उतार दिया, 12 और 1 कितना हो गया 13, यहाँ 1 उतारा 14 और 2 क्या हो गया हमारा 16, यहाँ 4 उतारा और 16 और 2 हमारा क्या हो गया 18, यहाँ 7 उतारा ये 207 और ये हो गया क्या 230। ठीक है, इसी प्रकार एक और देख लेते हैं टेबल कैसे लिख सकते हैं हम। तो चलिए मान लेते हैं वो नंबर है हमारा 84 है, तो ठीक है 84 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड देंगे। एक तरफ आप 8 की टेबल लिखिए, 8 4 जो 32, 40 48 64 72 और 80, 8 की टेबल एक तरफ हो गई, और दूसरी तरफ किसकी टेबल लिखनी है, 4 की टेबल लिख दीजिए, 16 20 24 28 32 36 और 40, ये हो गया। फिर हमारा थर्ड स्टेप इसको लिखना है, तो ये 84, देखिए अब यहाँ यूनिट डिजिट है, यहाँ दो डिजिट, तो इसको उसी तरह लिख देंगे जैसे 168, फिर यहाँ यूनिट डिजिट लिखा एक कैरी हो गया 24 और 1 25, यहाँ यूनिट डिजिट लिखा एक कैरी हो गया 33, यहाँ यूनिट डिजिट लिखा दो कैरी हो गया 42 हो गया, यूनिट डिजिट लिखा आगे क्या हो गया हमारा, जो नंबर था वो कैरी हो गया। इसी प्रकार हमारी 84 के टेबल हो गए। ये दो ट्रिक्स सीखी हमने आज की क्लास में। ठीक है, आगे एक लास्ट ट्रिक सीखते हैं हम। एक लास्ट ट्रिक क्या सीखते हैं,
एक लास्ट टिप देखते हैं कि किसी भी नंबर को आप 5 से कैसे डिवाइड दे सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि एनी नंबर डिवाइड बाय 5, यही है ठीक है, एनी नंबर डिवाइड बाय 5। एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई क्वेश्चन ले लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप ले लीजिए वो है नंबर की 2, 3, 7, इसको आप क्या करना है, डिवाइड करना है आपको किससे, 5 से। पहला एग्जाम्पल ये है हमारा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करिए 2, 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई किया कितना है 4, 7, 4। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप हमारा यही रहेगा, जो आंसर आया है उसको हमको क्या कर देना है, 10 से डिवाइड दे देना। तो इसका आंसर कितना है 4, 7.4, ठीक है। इसी प्रकार आप क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे इसी बेस पर, आप बाकी की क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू, एक बार देख लीजिए फिर ये सब। थैंक यू।